आम के सीजन में फ्रेंड्स अगर आपने ये वाली लौंजी नहीं बनाई तो समझिए आपने कुछ भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं खाया। तो इस लौंजी को जरूर ट्राई करिएगा। एकदम देसी गुड़ के साथ हमने इसे बनाया हुआ है और 10 मिनट में ये तैयार भी हो गया है। और 10 मिनट की रेसिपी आप महीनों भर चला सकते हैं, तो जरूर ट्राई करिएगा। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल अंजलि मिक्स रेसिपी में। फ्रेंड्स आज मैं जो लौंजी बनाने वाली हूँ उसके लिए मैंने यहाँ पे 700 ग्राम के करीब आम लिया हुआ है। मैंने तोतापुरी आम लिया है, कोई सी भी आम को आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो आम है एकदम फ्रेश ताजा, इसे धुल के मैंने अच्छे से पोंछ लिया है। अब इसके छिलके हम आसानी से निकाल लेंगे। जिस तरह से हम आलू को छीलते हैं सेम उसी तरह से हम आम को छील लेंगे। तो रेसिपी बनाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर चैनल पे न्यू लोग वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि मेरी वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और मेरी छोटी बड़ी हर एक रेसिपी आपको मिलती रहे और आपका प्यार सपोर्ट हमें मिलता रहे। और जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं प्लीज वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। तो यहाँ पे फटाफट से सबसे पहले हम चारों आम को छील लेंगे अच्छे से। ये तोतापुरी जो आम होता है फ्रेंड्स वो बहुत ज्यादा खट्टा नहीं होता है, नॉर्मल होता है, तो इस वजह से इसे लोग कच्चा भी खाना बहुत पसंद करते हैं। तो बहुत लोगों का ये फेवरेट आम है और बहुत लोग इसे चाट मसाले काले नमक के साथ खाना बहुत ही पसंद करते हैं। तो खाते तो हम भी हैं, हमको भी बहुत ही पसंद है ये आम। तो आज मैं इसका लौंजी बनाऊंगी और इसे मैं महीनों तक स्टोर करके खा सकती हूँ। और इस चीज को आप भी बना के स्टोर कर लें। अगर आप ऑफिस वगैरह जाने वाले हैं, आपके पास टाइम की शॉर्टेज है, तो आप इस रेसिपी को बना के रख लेंगे तो आपको सुबह के लिए बहुत ही आसानी होगा। टिफिन ले जाने के लिए, लंच ले जाने के लिए, बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए, तो बहुत ही आसान हो जाएगा ये इस रेसिपी को स्टोर कर लेंगे। तो सारे आम को हम यहाँ पे फटाफट से छील लेते हैं। इस रेसिपी को बनाने में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हमें नहीं चाहिए, बस हमें इसमें देसी गुड़ चाहिए। अगर आपके पास देसी गुड़ नहीं है तो आप इसे चीनी और मिश्री के साथ भी बना सकते हैं। तो मिश्री के साथ तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन गुड़ के साथ बनाएंगे तो आपके घर में जो भी डायबिटीज के पेशेंट होंगे वो आसानी से इसे खा सकते हैं अपनी इच्छा पूर्ति के अनुसार। तो यहाँ पे पहले हम आम को इस तरीके से काटेंगे। ये थोड़ा इसके अंदर जो गुठलियां होती हैं वो बनना स्टार्ट हो गया है, इस वजह से थोड़ा सा हार्ड हो गया है, तो थोड़ा केयरफुल होके काम करें। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हम काट लेते हैं, इसको छोटे छोटे पीस में डिवाइड कर लेंगे। कटेगा थोड़ा सा जोर लगा के इसे काटना पड़ेगा, बस पीस का जो साइज है यही रखना है हमें, चाहते बड़े बड़े पीसेस नहीं रखने हैं और बहुत छोटे भी नहीं करने हैं। तो अभी ये आम जो है ये थोड़ा और स्ट्रांग होगा, अभी इसके अंदर जो गुठलियाँ हैं अभी बहुत अच्छे से नहीं प्रिपेयर हुई हैं, तो इस वजह से ये इसलिए कट जा रहा है, नहीं तो ये कटता नहीं है। तो हम दोनों साइड से आम को काट के तब बनाते थे। तो यहाँ पे देखिए सारे आम को हमने यहाँ काट के स्टोर कर लिया है। तो आइए चलते हैं फ्रेंड्स गैस के पास और बनाते हैं इस एकदम मीठी चटपटी सी रेसिपी को। आई होप आप सबको बहुत ही पसंद आएगी ये रेसिपी। तो यहाँ पे हमने रख दिया गैस पे कढ़ाई, जिसमें हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल। आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, बस इसमें मस्टर्ड ऑयल का यूज नहीं होता है। यहाँ पे मैंने पंचफोरन लिया है, जैसे जीरा और अजवाइन मैंने एक में ही मिक्स कर दिया है और साथ ही साथ में इसमें सौंफ भी है। तो मैं आपको पास से जहाँ तक दिखा देती हूँ, तीनों चीजें एक में, जीरा अजवाइन और सौंफ एक में मिक्स किया है मैंने, करके मैंने पहले से ही रखा था। और लौंजी लिया है मैंने और मेथी लिया है, तो इन्हीं पाँचों चीजों को मिक्स करके पंचफोरन बनाया जाता है। तो हर चीज में काम आता है, सब्जी वगैरह में, बहुत लोगों के घर तो ये सब्जी में भी यूज होता है, लेकिन हमारे वहाँ सिर्फ मेथी यूज होता है सब्जी में। तो पंचफोरन को हम जैसे ऑयल गरम हो जाएगा हम डाल देंगे। तो पंचफोरन डालने से पहले हम दो पिंच के करीब इसमें हींग डालेंगे, हींग पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है। अब इसमें हम पंचफोरन डालेंगे, पंचफोरन को हम अच्छे से चटका लेंगे, यानी एकदम ये ब्राउन कलर का हो जाना चाहिए। तो ये जो लौंजी है आप खाना खाने के बाद, अगर खाना के साथ नहीं खाना पसंद करते हैं तो खाना खाने के बाद 2 से 3 चम्मच खा लेंगे, खाना बहुत आसानी से पच जाएगा। तो ये एक तरह से पाचन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो
तो देखिए यहाँ पे पंचफोरन कितने अच्छे से जल चुका है। अब इसमें हम डालेंगे कूटा हुआ लहसुन। बहुत लोग लहसुन नहीं पसंद करते हैं, तो कोई बात नहीं, मत डालिए, आप ऐसे भी बना सकते हैं। अगर आपको व्रत में खाना है तो फिर ऑयल में ही, उसकी भी रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही जल्द। तो यहाँ पे देखिए लहसुन को भी बहुत डार्क फ्राई करना है, मतलब कि गोल्डन से भी ज़्यादा हमें लहसुन को जला लेना है ताकि इसका टेस्ट पूरी लौंजी में मिक्स हो जाए। तो फ्रेंड्स इसे मिक्स कर लेती हूँ। अगर आपके पास सूखी लाल मिर्च है तो उसे भी आप डाल देते तो और अच्छा लगेगा देखने में। तो यहाँ पे देखिए लहसुन बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। लहसुन से बहुत अच्छी वाली खुशबू आ रही है। अब जैसे लहसुन फ्राई हो गया है उसमें हम आम को, काटे हुए आम को डाल दिए हैं, और आम को ज्यादा देर तक हमें नहीं भूनना है, 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पे हमें आम को भूनना है। ये बहुत जल्दी गल जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, देखने में कड़क है लेकिन ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं गलना शुरू हो गया है। तो जैसे ये गल रहा है उससे पहले कि इसमें हम 700 ग्राम आम है जिसमें हम 500 ग्राम के करीब यानी आधा केजी के करीब गुड़ डाल रहे हैं। गुड़ एकदम देसी है, गांव का गुड़ है, तो ये पिघलेगा तो इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा। तो इसे हम डालने के बाद इसमें हम आधा चम्मच डालेंगे काला नमक, और काला नमक आप सफेद नमक का भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ, बहुत लोग हल्दी नहीं पसंद करते हैं लेकिन हल्दी शुभ होता है, किसी भी चीज़ में हल्दी डालना चाहिए, बिन हल्दी का कोई चीज़ नहीं बनाना चाहिए। और ऊपर से मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर, खट्टा मीठा बना रही हूँ तो सभी चीज़ों का टेस्ट लेना जरूरी है, इसलिए सारी चीज़ें इसमें डालनी चाहिए। तो नमक, हल्दी और मिर्ची हमने डाल दिया है, सबकी क्वांटिटी मैंने आधे आधे चम्मच रखी है, बाकी गुड़ की ज़्यादा रखी है। अब इसे मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद ज़्यादा इसे नहीं चलाना है, इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें कवर करके छोड़ देना है 10 से 12 मिनट तक। 10 से 12 मिनट के बाद हम एक बार इसे वापस से चेक करेंगे कि हमारी लौंजी कैसी बनी है। तो आइए वेट करते हैं 10 से 12 मिनट। तो यहाँ से 10 से 12 मिनट बाद आप देख सकते हैं लो फ्लेम पे एकदम स्लोली स्लोली ये कैसे उबल रहा है गुड़, और आपको देख के भी अंदाजा आ गया होगा कि जो आम है बहुत अच्छे से पक चुका है, बिल्कुल भी इसके अंदर अब खटास नहीं है और एक बिल्कुल कड़क नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। इसे 5 से 10 मिनट और लो फ्लेम पे हम रखेंगे ताकि ये अच्छे से आम जो है गुड़ को एब्जॉर्ब कर ले। तो अभी हम गैस के फ्लेम को 10 मिनट बाद बंद कर देंगे। देखिए अब तेजी से उबाल आने लगा, गैस का फ्लेम हमने हाई कर दिया है, अब हम गैस के फ्लेम को बंद करेंगे। बहुत अच्छी सी हमारी लौंजी बन गई, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगा, मिनटों में बन के तैयार होने वाली रेसिपी आपको, आपकी महीनों तक चलने वाली है। तो क्यों इसे आप स्किप करेंगे, जरूर से बना के स्टोर कर लीजिए, ये फ्रिज में ठंडा होने के बाद तो बहुत अच्छा लगता है। आम को काट के भी दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स फटाफट से हम गैस के फ्लेम को करते हैं बंद, हमारी लौंजी हो गई है रेडी, और देख के भी आपको मुंह में पानी आ रहा होगा। तो ये थी मेरी छोटी सी मैंगो की आज की रेसिपी। तो आप सब कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप सबको कैसी लगी। तो मिलते हैं इसी तरह से न्यू वीडियो न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपना ख्याल रखिये, बाय बाय एंड टेक केयर।